हमारे शरीर में हार्मोन हमारे ब्लड के थ्रू एक एक सेल तक जाते हैं जो हमारे शरीर की गतिविधियों को संचालित करने में जिम्मेदार होते हैं। हार्मोन का बैलेंस बना रहना बड़ा ज़रूरी होता है। हार्मोन का बैलेंस हमारे गतिविधियों में, हमारी क्रियाकलाप में, हमारी दिनचर्या, हमारे खान पान पर निर्भर करता है कि वो बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। अगर हार्मोन बैलेंस खराब होता है तो कुछ लक्षण उपस्थित होते हैं, जैसे नींद का अचानक ना आना या बहुत ज़्यादा नींद का आना, वजन का अचानक घट जाना या बहुत ज़्यादा वजन का बढ़ जाना, व्यक्ति का तनाव हो जाना, तनाव में व्यक्ति रहेगा या बहुत खुश रहेगा, कभी तनाव में होगा कभी खुश होगा, मूड स्विंग्स होना, ये सारे लक्षण अचानक उसको पैदा होते हैं, तो आप समझिए कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। उसके साथ ही साथ हमको फिर अपने दिनचर्या में, अपने खान पान में, अपने आहार में परिवर्तन की आवश्यकता है, साथ ही साथ हमको व्यायाम की भी आवश्यकता है। मतलब जो भी हम हेल्दी फूड लेंगे उस फूड को बदल के, उसके रिप्लेस करके, तो उसके बाद हम जो फूड लेंगे हेल्दी वाला, उसको भी पचाने के लिए प्लस उसके अवशोषण के लिए भी हमको व्यायाम की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको आहार विहार, मतलब खाना और व्यायाम, इन सब में बदलाव करने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको फिर एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी आदतों में कौन सी आदत ऐसी है जो अनहेल्दी है, आपके खाने में कौन सा ऐसा खाद्य है जो अनहेल्दी है, उसको बदलिए और स्वस्थ जीवन जीना शुरू करिए।